जहां एक बार फिर महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं अब दैनिक एक्टिव केस की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो कि बड़े चिंता का विषय है। गौरतलब है कि राज्य में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1400 पार हो चुका है। राजेश टोपे के अनुसार हालात अभी उतनी चिंताजनक नहीं है। दरअसल आज मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते हुए मामले जो गति है वो मुझे चिंताजनक नहीं लग रही है। कुछ इलाकों में थोड़े बहुत मामले बढ़ रहे हैं जिस पर हमारी नजर है। हम सभी की जीनोम सिक्वेंसिंग भी करा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि चौथी लहर अभी तुरंत आएगी। वहीं सूबे के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 223 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 2 मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ राज्य में लगातार तादाद जो है संक्रमितों की बढ़ती जा रही है।